आज के इस खास शो के मेहमान अजीज़ डॉक्टर साजिद सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले भी सैयद साहब से कई मरतबा मैंने बातचीत की, काफ़ी अच्छा कामकाज उनका मेडिकल फील्ड पे रहा है, ऑर्थो डिपार्टमेंट पे एक अच्छी पकड़ रही है। इससे पहले सर का मुशावरत चौक में अस्पताल रहा, 5.5 साल प्रैक्टिस की, एक मरतबा वहाँ भी मुझे इंटरव्यू करने का मौका सर के साथ मिला। आज नया अस्पताल, नई बिल्डिंग उनकी तामीर हुई, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा सर। सर कैसा महसूस आप कर रहे हैं कि एक 5.5 साल एक किराए के बिल्डिंग में आपने अपने खिदमत को अंजाम दिया और अब एक मौका आपको मिला कि अपना खुद का एक अस्पताल बनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 5.5 साल से मैं आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ और इखलास के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह को इस काम के ज़रिए राज़ी कर लूँ। और 5.5 सालों में हमने अपनी हत्तल इम्कान कोशिश की है कि हम जो मरीज़ हम तक पहुँचे उनकी मदद व मुआवनत करें और उनके लिए बेहतरीन सहूलियात मुहैया करें। पिछले 5.5 सालों में जिस जगह पर हमने प्रैक्टिस की वो एक छोटी जगह होने की वजह से लोगों को बहुत सारी सहूलियात जो है नहीं मिल पाती थी। पार्किंग की सहूलत नहीं थी वहाँ पर मुझे मिलने के लिए या चेकअप कराने के लिए, काफ़ी देर तक के पार्किंग में उनको परेशानी हो जाती थी। इस वजह से हमारे पास ये वालिद साहब के लिए हुई ज़मीन थी जिसमें हमने धीरे धीरे उसको कंस्ट्रक्ट करके एक नॉर्मली काम किया। और कुछ देर के बाद में जब हमारा ये मामला हुआ, पहले मेरी कोशिश ये थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद को अल्लाह बेहतरीन अजर अता करे कि उन्होंने हमें इस काबिल पहले से ही बनाया था इनकी मेहनतों से, कि हम पहले दिन ही ये अस्पताल तामीर कर सकते थे। जब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई, मुझे ऐसा कोई कमा करके बनाने की ज़रूरत नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपनी काबिलियत साबित करे बिना इतनी बड़ी इमारत बनाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। अगर मैं अपनी काबिलियत या नाम बनाए बगैर बड़ी बिल्डिंग बना लेता, जो अक्सर करके बड़े बाप के बच्चों ने किया है मेरे से पहले, जो गलती तो उसमें ये चीज़ होती रही है कि उन्होंने अपने वालिद की जो भी उनके लिए मदद थी उसका इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट जंप किया और बड़े अस्पताल बना करके फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित नहीं किया। और इस वजह से उन लोगों को बाद में फेलियर का सामना करना पड़ा। इसलिए मैंने सोचा, और कुछ मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा वाक़या हुआ था, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि पहले मैं अपने काम के ज़रिए आपके दिलों में जगह बनाऊं, आपसे मोहब्बत हासिल करूं, और जब आपके दिलों में मोहब्बत मेरे लिए कायम हो जाए तो फिर मैं आप लोगों की सहूलत के लिए एक अच्छा अस्पताल तामीर करूं। ये मेरा मकसद था। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ साल, 1.5 साल 2 साल से तमाम डॉक्टर्स ने जो हालात और महंगाई की वजह से अपनी फ़ीस बढ़ा दी, वो उनकी ज़रूरत है और वो लाजमी भी है, क्योंकि उनको स्टाफ को पगार वगैरह देना, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे वालिद के ज़रिए मुझे ये मुकाम दिया कि मैं अपनी फ़ीस ना बढ़ाते हुए जो मेरी पुरानी फ़ीस थी उसमें ही मैं काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ गो हूँ कि आगे भी उसी कम फीस के साथ लोगों की सहूलत करता रहूँ और उनके लिए सहूलियात और से और लाता रहूँ। ये मेरी ज़ाती कोशिश और ख्वाहिश रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला जिस खुलूस के साथ हमने आप लोगों की पहले खिदमत की, इखलास के साथ की, अल्लाह की रज़ा के लिए की, आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही हम सहूलियात मुहैया करते रहें और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते रहें। क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर मैं लूम चलाता हूँ तो मेरी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं 100% ईमानदारी से काम करूं, अपने मालिक का हक अदा करूं लूम चलाते हुए भी, और उसमें कोशिश करूं लूम चलाते हुए कि अल्लाह मैं ये काम कर रहा हूं, ये कपड़े बनाऊंगा तो एक बंदा आपका ये कपड़ा इस्तेमाल करेगा, अपने बदन को ढकेगा, शरीयत के ज़रिए सतर को ढकेगा, उसका अज्र भी मुझे दे देना क्योंकि मैं ये एक नेक काम कर रहा हूँ, तो अल्लाह राज़ी हो जाएंगे। ऐसे ही मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ तो मैंने भी ये चीज़ सोचनी ज़रूरी है कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए डॉक्टरी करूँ। बहुत सारे हमारे दोस्त काम करते हैं, अल्लाह ने उनको बेहतरीन से बेहतरीन हाथ अता किए, दस्त शिफा जिसे हम कहेंगे। मैं उन तमाम डॉक्टर हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने मोटिवेशन दिया और जिनकी मदद और रहबरी मुझे हासिल हुई, जिनमें कई सारे मौजूदीन हैं, डॉक्टर सईद अहमद फारानी साहब, शहर के अजीज़ डॉक्टर सईद फैजी साहब, और भी जो हमारे बड़े डॉक्टर्स हजरात हैं जिनके नाम लेना इस इंटरव्यू में बहुत
इंटरव्यू को तवील कर देगा। मैं उन तमाम लोगों के नाम न लेते हुए तमाम डॉक्टर कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे रहबर बने और मेरे लिए सीनियर होने के नाते मुझे गाइडेंस करते रहे कि कैसे आपको किस चीज़ में, और ख़ास तौर से मेरे उस्ताद डॉक्टर काकतकर साहब, जिनके अंडर मैंने हड्डियों के मामला ऐसे सीखे हैं कि जिसके ज़रिए से ऑपरेशन की बेहतरीन जो तरीके हैं मुझे उन्होंने सिखाए, और अल्लाह उनको बेहतरीन अज्र दे, ये मेरी अल्लाह से गुजारिश है, दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत आफियत दे। और जो उन्होंने मुझे सिखाया उसके ज़रिए मैं उम्मत की खैरख्वाही का ज़रिया बन जाऊँ। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। सर की अगर बात की जाए तो सर डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे मुकर्रब भी है। आप सुने हैं, मेरे व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी सर से मैंने बातचीत की, सर का लहजा बड़ा अच्छा ही है। कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो, गरीब आदमी क्यों ना हो, सर सभी से इसी तरह से प्यार मोहब्बत से ही बात करते हैं। इससे पहले भी मैं कई मरतबा सर से मुलाकात किया हूँ, फ़ोन पर भी बातचीत हमारी अक्सर होती रहती है। तो सर में एटीट्यूड नहीं है। सर अस्पताल का नाम मास्टर क्यों रखा गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कई सारे लोगों ने मुझे ये सवाल किया है, आज पिछले 5.5 साल मुझे ये नाम रखते हुए हो गए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अपने वालिद के लिए मैं इस शहर में आया हूँ, और अल्लाह ने मेरे वालिद को 7.5 साल पहले जो अपने पास बुला लिया, अगर वो ना बुलाते और वो हयात होते तो मैं शायद मालेगांव नहीं आता, आप लोगों की खिदमत नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे जो एजुकेशन हुआ है वो सारा फॉरेन में हुआ, और मेरा जो पढ़ना और जिस माहौल में मैं यहाँ पैदा तो हुआ था, और धीरे धीरे अल्लाह ने तरक्की देती गई, मैं एक ऐसे माहौल में चला गया जहाँ बहुत कुशादगी थी, बहुत आसाइश थी, दीनदारी के साथ मैं अपने आप को वहाँ पे अच्छा महसूस करता था, हमने वहाँ मस्जिद भी बनाई, ये सब चीज़ों के साथ साथ मुझे वो जो कुशादगी पसंद थी, तो उस वजह से मैं वालिद साहब से गुजारिश करता था कि मुझे आप वहीं रहने दीजिए, चाहिए तो आप भी मेरे पास आ जाइए, या मैं सऊदी चला जाता हूँ जहाँ पे मैं अच्छी से एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजार सकूँ। डैडी हमेशा मना करते थे और बोलते थे कि बेटा मैंने तुझे पैसे कमाने के लिए डॉक्टर नहीं बनाया, मैंने तुझे डॉक्टर मालेगांव शहर की खिदमत के लिए बनाया है, ये उनके जुमले है। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि मेरे वालिद के हक़ में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनकी इस नीयत को कबूल करके उनके दर्जात को बुलंद करे और मुझे उनकी निजात का सामान बना दे, ज़रिया बना दे। और मास्टर एक्सीलेंट हॉस्पिटल रखने के पीछे सिर्फ यही लॉजिक है कि मेरे हर हर एक नेकी के पीछे मेरे वालिद को अजर मिलता रहे, बस यही मकसद से मैंने ये नाम रखा। आपके वालिद से आपको बड़ी मोहब्बत है, आपकी बातों से ये बात सामने आ रही है। मैं मेरे वालिद का चहेता हूँ, ये तो अल्लाह को जानते, आप लोग भी जानते हैं, मैं मेरे वालिद का फरमा बरदार इस कदर था और हूँ, गायबाना वो जा चुके, फिर भी मैं उनका फरमा बरदार, मेरे बड़े भाई अब मेरे वालिद की जगह है। मुझे एक चीज़ मेरे वालिद से मिली है कि मैं कभी भी मेरे वालिद की कोई बात टालता नहीं था, ये मेरी एक बात मेरे वालिद को पसंद थी कि कोई समझ लीजिए कोट मैंने पहना है, ये मुझे पसंद नहीं भी आया तो मेरे वालिद ने अगर सिर्फ बोल दिया साजिद तुझ पर अच्छा लग रहा है, तो मैं ये पहनना पसंद करता था और उसको इस तरीके से दिखाना पसंद करता था कि डैडी मैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मोहब्बत मुझे मेरे वालिद से थी कि रात को अगर वो मुझे 4 बजे नींद में से उठाएं और 10वें मंजिले पे ले जा करके कह दे कि बेटा यहाँ से जम कर दो, तो मैं मेरे वालिद से सवाल नहीं करूँगा कि डैडी क्यों, बस जम कर दूँगा, ये मेरा उनके लिए मोहब्बत थी। बस यही वजह है कि मेरे वालिद ने मुझ पर इतना भरोसा किया, मुझ पर अपने माशी हालात तंग होने के बावजूद, कारोबार में परेशानियां होने के बावजूद भी मेरी पढ़ाई में कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी, ये मैं उनके लिए सिर्फ दुआओं के ज़रिए उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, अल्लाह से मांग मांग करके उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। मेरे वालिद जो है वो 0 से शुरू हुए थे, मैं 0 से नहीं शुरू हुआ, मैं बहुत मेरे वालिद का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें हमेशा आराइश व आसाइश में ही रखा, कभी कोई तंगी नहीं की, खुद तकलीफ़ें उठाई लेकिन हमारे लिए कभी तकलीफ़ नहीं आने दी। और रिस्क, मेरे वालिद का कहना था कि रिस्क हलाल जो है वो नस्ल बर्बाद कर देता है, रिस्क हलाल की जो बरकत है वो अगर आपको रिस्क हलाल में देखना है तो आपके अल्लाह काम
बिना पैसों के भी बना देगा और आप हराम रिस्क कमाओगे तो बड़े बड़े पैसे वालों के काम अल्लाह फेल कर देता है। तो अपने कोशिश जाती ये होनी चाहिए कि अल्लाह से मांगते मांगते कि अल्लाह हमारे रिस्क को हमेशा हमेशा हलाल बना, ताकि हमारे काम में बरकत भी हो और हमारी नस्लों में भी बरकत हो।